आज हम शरीरों के अंग के बारे में सीखेंगे, ठीक है। शरीर के अंग मतलब जो भी हमारे शरीर है उसको हम क्या क्या कहते हैं उसके बारे में आज हम सीखेंगे। चलिए, एक आदमी के लिए या एक इंसान के लिए उसके शरीर के हर एक अंग महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि चलिए मैं भी आपको एक एक करके बताती हूँ। बाल, बाल जो है सबके लिए काले ही रहते हैं, और यह है सर, यह है सर और बाल है काले, सबके बाल काले ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा सर जो है वो हमारा दिमाग का चयन करता है। दिमाग में जो भी होता है वो हमारे दिमाग के जरिए ही हमारा हमारे सामने प्रस्तुत होता है। ये हो गया सर। सर के बाद है, ये है माथा, ये जो है माथा, इसे हम फोरहेड कहते हैं। ये जो है माथा, यहाँ फोरहेड कहते हैं। और ये है आईब्रो, आईब्रो इन हिंदी ब्रो, हाँ। और जो है ये जो है, ये है आंखें, इसे क्या कहते हैं, आंखें। ये जो है नोज, इन इंग्लिश वी कॉल नोज, इन हिंदी वी कॉल नाक, ठीक है। ये जो है, ये है गाल, इसे क्या कहते हैं हम, गाल। ये जो है, ये है गाल, ठीक है। ये जो है लिप्स, ये जो है लिप्स, और ये जो है लिप्स यानी कि ओट, लिप्स इन हिंदी ओट, ठीक है। ये है दांत, ये है जो है सफ़ेद कलर के, ये है दांत। टंग, टंग को हम जीभ कहते हैं, टंग को हम जीभ कहते हैं। जीभ से हमें स्वाद का पता चलता है, और दांत से हम काट कर खाते हैं, ठीक है। ओट से हम पानी पीते हैं, और चिक्स जो है हमारे हंसने पर ये फूल जाते हैं, ठीक है। ये जो है चिन, चिन को क्या कहते हैं हम लोग, चिन, चिन को क्या कहते हैं, आप उसके बारे में आपके मम्मी पापा को पूछिए, चिन को क्या कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये जो है, ये है कान, इससे हम क्या करते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं कि जो सुनाया हुआ वो सुनकर हम बात करते हैं, और कान में हम बाली भी पहन सकते हैं। ये जो है माउथ, ये है मुंह, मुंह से हम क्या कहते हैं, बोलते हैं और खाते हैं पीते हैं। ये हो गया शरीर के मुख्य अंग का परिचय, ठीक है। अभी जो है वो है, ये है गला, ये जो है, ये है गला, गला यानी कि क्या है, नेक, थ्रोट। हमारे गले से स्वर आता है, ठीक है, हम इससे इसके ध्वनि के द्वारा ही बात कर पाते हैं, ठीक है। ये है शोल्डर्स, कंधा, ये जो है शोल्डर्स, कंधा, इसे क्या कहते हैं हम, कंधा कहते हैं। और ये जो है दो, ये है हाथ, दो है जो है ये हाथ, ठीक है। ये है हाथों से हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, नहाते हैं, सब कुछ हम इन दो हाथों से करते हैं। हमें काम करने के लिए हमारे हाथ मदद करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है, ये है उंगलियाँ, उंगलियों से हम सामान को जैसे चाहे वैसे कंफर्टेबली पकड़ सकते हैं, उंगलियों को जैसे फ्लेक्सिबली हम पकड़ सकते हैं और उसके मूवमेंट कर सकते हैं। देखिए, हम जैसे हिलाते हैं उंगलियाँ वैसे हिलती हैं। और ये जो है नाखून, ये जो है इसे हम नाखून कहते हैं। नाखून को हर सप्ताह काट देना चाहिए, इसके अंदर जाके गंदगी बैठती है, उसके खाने से उसी तरीके से, यानी बिना नाखून काटे खाने से शरीर में बीमारियां आ जाती हैं, तो इसीलिए नाखून काट के यानी कि क्लीन रखना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद है, ये जो है दोनों हाथ हैं, हाथ के यहाँ पे हैं, ये है कोनी, एल्बो, व्हाट वी से, एल्बो को हम कोनी कहते हैं। ये जो है बाह, ये जो है बाह, ठीक है, ये जो है बाह कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आप पैर, पैर को तो आप पता है, पैर, दोनों पैर हम चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पैर में उंगलियां भी हैं, ठीक है।
और पैर में हम पैर के सहायता से हम चलते हैं, दौड़ते हैं और कहीं पे भी ऐसे बैठ के आराम से कुछ भी कर सकते हैं। बिना पैर के हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है स्टमक। स्टमक यानी कि पेट। पेट सबका पेट है। खाने के बाद कहाँ पे जाता है? पेट में जाता है। तो पेट है, वो पेट को हम बहुत अच्छी तरीके से संभालना चाहिए। कुछ भी उल्टा सुल्टा खाना नहीं चाहिए, पेट का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, इससे आपका आरोग्य बिगड़ जाएगा। तो आपको स्वस्थ और हेल्दी फूड खाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है पीछे जो है, ये है पीठ। ये जो है पीठ, इसे क्या कहते हैं? बैक। इसे पीठ कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है नीज। नीज को क्या कहते हैं? घुटने, माफ कीजिए, पैर। तो नीज को क्या कहते हैं? घुटने। घुटने जो है वो हमारी चलने के लिए, मूवमेंट करने के लिए मदद करती है। और थाइस जो है, बांध जो है, वो हमें चलने के लिए सहायता करती है, ठीक है। आज के लिए शरीर के अंग के बारे में आपने जान लिया, तो आपको इसका अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। जो भी अभ्यास करोगे उसका आपको पुनर्अभ्यास करने से ही आपको याद रहेगा। आज के लिए शरीर के अंग के बारे में आपने जान लिया। अगले क्लास में हम और कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।